जी उन्होंने सवाल किया है कि क्या खवातीन की जो नमाज है वो अपनी हैत में यानी अपने स्ट्रक्चर में मर्दों से फ़र्क है, जैसे मिसाल के तौर पे क्या ये कहा जाता है कि वो अपनी जो बैक्स हैं वो ज़रा ऊंची ना करें, और क्या उनको अपने जो हाथ हैं वो किसी मखसूस जगह पे रखने हैं या ऊंची जगह पे रखते हैं, तो क्या फ़र्क है मर्दों की और खवातीन की नमाज के पोस्चर में? जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। मर्दों की नमाज औरतों की नमाज बिल्कुल एक ही है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह के पैगंबर ही को फ़र्क करना था, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं वैसे ही औरत नमाज पढ़ती है। ये हमारा कुछ मिजाज बन गया है कि हमने हर हर मामले में औरतों से फ़र्क करना होता है। नहीं, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला ने एक ही नमाज हमेशा से तमाम नबियों को सिखाई है, तमाम पैगंबरों की उम्मतें उसी तरह नमाज पढ़ती रही हैं, हुजूर ने भी वैसे ही नमाज पढ़ी है, और हुजूर की अजवाज मुतहरात और सहाबियात ने भी वैसे ही नमाज पढ़ी।